ये छोटे मोटे से सकड़ार, इसको जो केकड़ा कहते हैं। इस फाइनली आई एम ऑन द टॉप। Assalamualaikum everyone, welcome to MTA's YouTube channel। तो finally यार आज जो है second day है ईद का गाँव में, और आज का मौसम हो चुका है बहुत ही मज़ेदार, जिसकी हम दुआ कर रहे थे कि ऐसा मौसम हो जाए। और अभी भी ऊपर से बारिश बरस रही है, एंड आप लोग वेदर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह ठंडा बर्फ़ वेदर बन चुका है। वो देखें सामने आपको धुंध वुंध भी नज़र आ रही है और बादल। जैसे कि हम लोग मीरपुर से मड़ी पहुँच गए हैं, यूँ सिस्टम हो रहा है कि जो गर्मी है ना वो पीक पॉइंट पे थी और बिल्कुल लो लेवल पे आके गिर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पड़ चुकी है बारिश और जो आग वाग लगी हुई थी वो हर जगह से रिमूव हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। और आज हम जा रहे हैं अपनी हाला के घर, जो कि एक ब्राली गाला जगह का नाम है, वहाँ पर वो रहती हैं, तो वो आज कुर्बानी दे रहे हैं, तो आज हम उनके घर चलेंगे। उन्होंने डे टू पर कुर्बानी देनी थी। तो फिलहाल का सीन कुछ यूँ है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पैदल जाएँगे, आपको रास्ते की लोकेशन दिखाएँगे, बहुत मज़ा आएगा। सो चलते हैं और लेट्स गो। सो गाइस फाइनली सीन कुछ हुआ कि हम नहाने धोने हमेशा की तरह दरिया में जा रहे हैं, और ठंड पड़ी हुई है आज। फैसल को मैं ज़बरदस्ती लेके आया हूँ कि हमने आज नहा के ही जाना है। सो भी जाते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं और कपड़े पहनकर फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, जो हम ब्राली गाला तक करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस व्लॉग में। भाजी मैनू पोर लेवे जो मैं ढह गया थे, फिसलन की जगह है इतने, आई 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 जुलिया साम। सो अभी चलते हैं हम दरिया में, आज तो फिलहाल कोई भी नहीं है। वैसे तो जब हम रोज़ आते हैं हमारा मोए मोए हो जाता है, कोई कोई आंटीज़ कपड़े धोने आई होती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता लेडीज़ में जाना, तो हम इस वजह से स्किप कर देते हैं जाना। तो लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम आराम सुकून से नहाएंगे और फिर लेट्स गो होते हैं ब्राली गाला की जाना। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक छुपी रुस्तम चीज़ दिखाता हूँ, और वो चीज़ है ये छोटे मोटे से सकड़ार, इसको जो केकड़ा कहते हैं। एक ये रहा और एक वो इसका स्माल सा बेबी, और ये देखिए चल रहा कैसे, चल रहा कैसे देखिए। और पानी देखिए कितना क्लीन है, रात को बारिश हुई है ना, तो माशाल्लाह अभी हम पानी के बीच चलेंगे, नहाए धोएंगे और एंजॉय करेंगे। वाह हा हा, ये ठंडा पानी मज़े का है, तो नहाते धोते हैं। अभी हम नहाते धोते हैं रेडी होकर, फिर मिलते हैं आप लोगों से ब्राली गाला जाकर। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली मैं जो हूँ काफ़ी ऊपर चढ़ के आया हूँ, वो उधर नीचे से सिर्फ अकेला आया हूँ। बाकी मैंने फैसले लोगों को बोला था, लेकिन वो लोग अभी घर से निकले नहीं हैं और मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। अभी हमने वो ऊपर वाले पहाड़ पर जाना है, और हालाँकि अगर वहाँ से फिर हमारा सफ़र स्टार्ट होगा, और बहुत दूर है अभी, तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, मैं वेट करूँ। अगर 5 मिनट में कोई आया तो ठीक, नहीं तो मैं चला जाऊँगा रास्ता पूछता पूछता, लेकिन ये लोग आ रहे नहीं है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। जल्दी तो रेडी हो चुके थे, पता नहीं। चलते हैं अभी, यहाँ से मैंने चढ़ के जाना ऊपर और उस माउंटेन से फिर आगे। उफ खुदाया बस हो गई है मेरी लिटरली। अभी ये कि उनका वेट शेट करते हैं, अगर वो आ गए तो ठीक, अगर ना आए तो फिर हम चलते हैं, लेट्स गो होते हैं। अभी हम बैर ये चढ़ते हैं ऊपर, उफ खुदाया मैं ये चढ़ के तो बस हो गई, अभी वो पहाड़ चढ़ना है ऊपर। रेस्ट वेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पर थोड़ा, बट ये कि चलना है, सो लेट्स गो। OMG फाइनली मैं इस माउंटेन पे पहुँच आया हूँ। उफ खुदाया वो जो आपको घर नज़र आ रहा है ना, वो नीचे वहाँ से चल के आया हूँ, अकेला ये ऊपर चढ़ के आ गया हूँ, और बस हो गई है लिटरली। सांस मेरे से लिया नहीं जा रहा, इंतहा किस्म की जो है ना वो मेरी बस हो चुकी है। रेस्ट वेस्ट नहीं करना आपके भाई ने, सबसे पहले पहुंचना है आपके भाई ने। बाकी मेरे दोस्त वो नीचे से आ रहे हैं, उनसे तो बात ही नहीं करनी भाई, अकेला भेजा है मुझे, कहते हैं चलो चलो, जब मैं निकल आया हूँ फिर आई कोई नहीं। अभी वो वहाँ से आ रहे हैं, और व्यू चेक करो यार, माइंड ब्लोइंग व्यू है। चलो रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ब्लॉग को। वो आपको मेरे दोस्त नज़र आ रहे हैं, वो नीचे नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर हैं, इनसे पहले मैं पहुँचूंगा, सो लेट्स गो, कीप वाचिंग माय ब्लॉग। अभी ये भी पहाड़ी ऊपर चढ़नी है, खुदाया उनसे तो मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, वो लोग काफ़ी पीछे हैं, और मैं अकेला ही बस। सांस चढ़ा फिर, अगर ब्लॉग अच्छा नहीं बन रहा ना दोस्त के लिए, सॉरी, बिकॉज सांस चढ़ गया यार, ये पहाड़ियाँ चढ़ना कोई
इजी काम नहीं है, ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ मैं। सो गाइस फाइनली आई एम ऑन द टॉप, आप मेरे पीछे देख सकते हो, अब आपको पूरा गांव नज़र आ रहा होगा। मैं बिल्कुल इस टॉप पहाड़ी पे आ चुका हूँ एंड ये रहा सारा व्यू। ओह दया, चढ़ चढ़ के बस हो गई है मेरी, अभी यहाँ से नीचे डलना है और हमने रोड पे होना है। मुझे रोड का याद है, मैं है गलत रास्ते पार चुका हूँ, है वो नीचे से रास्ता जाता था, मैं ऊपर से आ गया हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ से भागते हुए जाते हैं। ओहो इंजॉय, कुत्ता भौंक रहा है, किसका कुत्ता है वहाँ पर, बट इंजॉइंग यार, मज़ा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग। पहुँचाया हूँ जिस जगह पे, मैंने वो आपको एक रोड नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पर हमने जाना है। फाइनली रोड पे आ चुके हैं, अभी हम चलते हैं रोड बाय रोड और उन सबको पीछे छोड़ देते हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। सो लेट्स गो। फाइनली आई एम ऑन द रोड, ये रोड आ रही है पीछे से, बिल्कुल अकेला मैं इस रोड पे चलता जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, आराम सुकून से, सुकून के साथ और मज़ा आ रहा है। अभी हम लेट्स गो होते हैं, यही रोड जाएगी डायरेक्ट हाला के घर, और पीछे देख सकते हैं मेरे कोई भी नहीं है और बिल्कुल अकेला सफ़र जारी है। लेट्स गो होते हैं और अब हाला के घर जाके डायरेक्ट मुलाकात होती है, क्योंकि आगे सारी रोड ही रोड है, बाज़ार आएगा लोकल मार्केट, तो वो भी आपको बताएंगे रास्ते में। सो गाइज फाइनली पीछे वो रहा बाज़ार, वो जो आपको कुछ मार्केट्स नज़र आ रही हैं, मैं वो भी क्रॉस कर आया हूँ, वो तो अभी बहुत पीछे है। अभी मैंने वो पहाड़ी चढ़नी है, वो पहाड़ी चढ़ के फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड आएगी और मैं फिर एक रोड पे जाऊँगा जहाँ से फिर डायरेक्ट में वो हमारे हाला के घर जाती है। तो अभी फ़िलहाल ये रोड चढ़ते हैं और फिर वो पहाड़ी चढ़ते हैं और फिर पहुँचते हैं हम हाला के घर। सो गाइज फाइनली अभी मैंने ये चढ़नी है पहाड़ी और वो ऊपर जाना है, सो चढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज काफ़ी ना फिसलन जगह हुई है, बारिश हुई है ना रात को, जिसकी वजह से काफ़ी जगह जो है वो फिसलती है, तो कोई नहीं हम चढ़ जाते हैं। ये रोड जाती है लेकिन ये कहीं और जाती है रोड, तो जहाँ से मैं बचपन से जाता रहूँ तो वो यही जगह है। सो फिलहाल हम चढ़ते हैं ये ओखी सोखी जगह पे। मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है, जो गिरा तो बचाने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि नहीं गिरता, मैं आदी हो चुका हूँ यहाँ चलने का बिल्कुल। सो लेट्स गो होते हैं, चढ़ते हैं। मुझे ये डर है यहाँ पर कोई कुत्ता वुत्ता ना मिल जाए, कुत्तों का डर है, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपका भाई गुड, चलते हैं। फाइनली गाइस फाइनली मैं लोग यहाँ वो नीचे से चढ़ के आया हूँ ऊपर, और मैं वो आपको पहाड़ी बताता हूँ, वो जो पीछे वाली पहाड़ी है ना, उधर से चल के आया हूँ, कुछ रोड बाय रोड और कुछ पहाड़ियाँ चढ़ के, बिल्कुल अकेला। यहाँ आप लोग पीछे देख सकते हो कोई भी नहीं है, सिंगल पर्सन भी नहीं है, बिल्कुल अकेला आया हूँ और बिल्कुल बस हो चुकी है। यहाँ से अब थोड़ा रह गए, लेट्स गो होते हैं और हाला के घर जाके मिलते हैं। अभी यहाँ एक घर है तो वहाँ से पूछते हैं कि अगर पानी मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरा गला लिटरली बहुत सूख चुका है। चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं अब पहुंच आया हूँ काफ़ी करीब, और ये आ चुकी है अब यहाँ की रोड, जो बिल्कुल पक्की रोड है। अब ये डायरेक्ट जाएगी मेरी हाला के घर, और ये के फाइनली अकेला अकेला मैं पहुंच आया हूँ, बिल्कुल कम्प्लीटली अकेला आया हूँ। वो लोग अभी काफ़ी दूर है, अभी उन्होंने जो पहाड़ियाँ मैंने चढ़ी हैं ना, अभी उन लोगों ने वो चढ़नी है, और ठंडी हवा आ रही है, और ये देखो मैं चढ़ाया हूँ ऊपर, और ये रोड अब सीधी लेके जाएगी हमें हाला के घर। यहाँ से एक मोड़ मुड़ना है, फिर दूसरा मुड़ना है, सो लेट्स गो। यहाँ का व्यू तो चेक करो, माशाल्लाह, ये रहा यहाँ का व्यू। इस जगह का नाम है पराली गाला, और फाइनली मैं पहुँच आया हूँ। ठंडी हवा चढ़ी, अभी सिर्फ पानी चाहिए, गला मेरा बिल्कुल सूख चुका है, आपको पता है सांस चढ़ जाता है। ओह अभी एक चढ़ाई और भी चढ़नी है, वो होता है, चढ़ते हैं यार, इतनी सुकून वाली वाइब आ रही है यहाँ पर, मज़ा आ गया यार गाँव आके, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, नहाओ दो कपड़े पहन लो, घूमो फिरो, ना गर्मी ना कुछ अयाशी, लेकिन शहर में तो बाहर भी नहीं जाने होता,
नहाओ तो पानी गर्म, सिर्फ गर्मी और गर्मी, बाकी कुछ नहीं। अभी ये चढ़ हाई चढ़नी है और मैं अभी आप लोगों को अपनी अलग अगर दिखाता हूँ। एंड हेयर वी गो, वो सामने रहा मेरी हाला का घर, वो आप लोगों को नज़र आया, ये घर है हमारी हाला का। वो सामने कोई ना कोई खड़ा उधर, ये कि अभी यहाँ से डरते हैं कोई कुत्ता ना हो इनके घर, तो किसी को बोलते हैं कि वो आगे आए। यस, एनीवन इज़ कमिंग, आने दो फिर हम लोग चलते हैं। ये वाला रास्ता जाता है, लेट्स गो होते हैं। तो ये रही इनकी यहाँ पर, ये जो इन्होंने फसल वसल उगाने के लिए लगाया हुआ है, और वो सामने रहा घर, वहाँ एक कुत्ता भी है। अब पता नहीं कुत्ता क्या करेगा, एक बंदा आगे खड़ा है, चलो हम उसे कहेंगे कि हमें आगे करवा दे। तो ये कि अभी हम चलते हैं। उफ, मेरी तो प्यास से बुरी हालत हो रही है, और यहाँ मिट्टी भी देखो इतनी ज़्यादा, मेरे जूतों की हालत भी बिल्कुल ना ख़राब हो गई है। तो चलते हैं यार, कुत्ता ना कुछ कहे, मुझे कुत्तों से डर लगता है, बाकी कुछ नहीं है, लेट्स गो। अभी गाइस कुत्ता इतनी ज़ोर से भौंका है, अभी आप लोग देख सकते हो, वो कुत्ता यहीं किधर लपकेगा मेरी तरफ भी। तो सुकून के साथ चलते हैं, शोर नहीं मचाना है मदरसा, वो मुझे देख नहीं, देखा नहीं है अभी उसने मुझे, देख ना ले, बाकी है रहा। यस, वो देखो वो मुझे भौंक रहा है, वो सामने देख सकते हो, इसी तरफ देख रहा है वो, देखो भाई साहब। सो गाइस फाइनली हम लोग हाला के घर तो आ चुके थे, मैं अकेला आया था जैसा कि तुम लोगों को पता है पूरे ब्लॉग में। ये लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की थी, पता नहीं इनको मैं बुलाता रहूं, लेकिन ये लोग लेट निकले और फाइनली हम लोग पहुंच आए थे। एंड मैं अब आपको फाइनल व्यू दिखाता हूं, दिस इज द फाइनल व्यू जो आप बैक पे देख सकते हो। ये देखें माशाल्लाह, ये है ब्रलीगाला, वो देख सकते हो, ये टोटल व्यू है यहाँ का, बहुत अमेजिंग व्यू है। दरअसल ऊपर जाके हम दिखाते हैं आपको, अमेजिंग व्यू है, आप लोग देख सकते हो, ठंडी हवा चढ़ी है, मौसम अच्छा हो गया है। एंड अब हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर शिक्चर खींच रहे हैं, वीडियो शीडियो बनाते हैं, टिकटॉक वगैरह जो कुछ भी है वो बनाते हैं यहाँ पर, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये है यहाँ का एक पुराना घर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये है एक पुराना घर जो कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, यहाँ पर टूटने का खतरा हुए, पुराना घर है, इन्हें पता टूट जाए तो, ये देख सकते हो, वो देखो कहाँ पर चढ़ा हुआ है, गिरा ना पता चलेगा, और ठंडी ठंडी हवा, आ मज़ा आ गया माशाल्लाह, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, और चेक करो माशाल्लाह, यहाँ पर घूमते फिरते हैं, बात करते हैं। 3, 2, 1 बाय बाय। तो गाइस फाइनली बाय बाय कर दिया हमने गाँव वालों को, और वो लोग कह रहे हैं चलो ठीक है फ्री हो गया यहाँ से। होप सो यू लाइक द व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।